हेलो स्टूडेंट्स। सो काफी समय के बाद में आखिरकार आपका हार्ड वर्क पेज करेगा आपको, ठीक है, पे यू द बैक। अब बात आ रही है जो आपके क्वेश्चंस आए थे बीएससी एग्री सिक्स ईयर प्रोग्राम के अंदर। सो बच्चों की फीडबैक है भी पेपर इजी था, बट कुछ ही क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस साइंस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी थे, एग्रीकल्चर में कुछ ही क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। तो वी कैन से एग्जाम लेवल आपका इजी टू स्लाइटली मॉडरेट था। ओके सो इसके अंदर हम देखते हैं आंसर की को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो किसने दी है। सो इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका बी कोड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्स ईयर प्रोग्राम का। ओके सो बी कोड के सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है वो है डार्विन ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडोपोडिया इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म। जो सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच एलिमेंट। जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो अपने कार्बन एलिमेंट की है। ओके तो एक अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जूल्स लॉ की हीटिंग इफेक्ट के लिए, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी। ओके सो ये आपके पहले चार क्वेश्चन के आंसर थे, होप सो आप सभी ने सही किए होंगे। नेक्स्ट है, मेधा पटाकर इज रिलेटेड टू। मेधा पटाकर है वो किस चीज से रिलेटेबल है इन सब चीजों के अंदर। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके लिए फेमस है मेधा पटाकर। ओके नेक्स्ट है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाउंड एप्लीकेबल। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो किस एटम तक एप्लीकेबल था। So, इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम तक लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है अपना वो एप्लीकेबल था। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव हाइयर क्लोरोफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई इजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ओके इजी असेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो वी कैन सी इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज। जब हम बात कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर तो वो इंक्रीज करता है। ओके ये चीज याद रखना, भी टोटल रेजिस्टेंस पूछा है तो वो इंक्रीज करता है सीरीज के अंदर। ओके सो नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की बात होती है, तो रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। ओके रीजनरेशन इन प्लेन एरिया इज अ एग्जांपल ऑफ। जो रीजनरेशन है वो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे टेंथ, मूविंग कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक मोटर का। ओके तो मूविंग कंपोनेंट में कंफ्यूजन हो सकती है आपको शाफ्ट के अंदर, बट इसका आंसर है आर्मेचर। ओके मूविंग कंपोनेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। सैंडलवुड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, टिम्बर भी है, रेजिन्स भी है, बट जो पेस्टिसाइड्स है वो अपने नहीं है फॉरेस्ट के बाय प्रोडक्ट्स। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 12th। 12वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो आपके एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका है क्वेश्चन नंबर 12th। तो शुगर केन भी वेजिटेटिवली हो रहा है सेट से, रोज भी होता है कटिंग से, एंड पोटैटो भी अपना इससे भी ट्यूबर से प्लांट हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज है इसका अगेन आंसर। ओके सो ऑल ऑफ दीज मोस्टली जिसके अंदर ऑप्शन मिलता है उसके अंदर क्या हो, ऑल ऑफ दीज भी होता है। तो इसका भी ऑल ऑफ दीज है इजी क्वेश्चन, विच वन इज प्योर गोल्ड। तो जो प्योर गोल्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, 24 कैरेट। ओके तो प्योर गोल्ड के अंदर कितना आएगा आपका, 24 कैरेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 3 सोल्यूशंस। तो इसके अंदर आपको सोल्यूशन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से जिसका पीएच है 3, 7 और 9 एबीसी रेस्पेक्टिवली। ओके तो इनमें से कौन सा बेसिक है, तो इजी क्वेश्चन है अगेन, जो 9th है वो अगेन आपका क्या है, इसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है बेसिक। हु यूज द ग्लास प्रिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्लास प्रिज्म का यूज किया गया था, न्यूटन ने यूज किया था फॉर गेटिंग स्पेक्ट्रम ऑफ सनरेज के लिए। ठीक है पहली बार न्यूटन ने यूज किया था ग्लास प्रिज्म का। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहे हैं तो अगेन एमीटर अपना इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है एक सर्किट के अंदर। ओके 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब 17th क्वेश्चन में आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है, और उसके अंदर पूछा गया है भी इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्म होता है।
इस रिएक्शन के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर आपका कौन सा केमिकल फॉर्म हो रहा है ये? सो ये है आपका जो ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो इसका आंसर क्या है 17वें का? बी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, बोमेंस कैप्सूल किस ह्यूमन सिस्टम का पार्ट है? बोमेंस कैप्सूल आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोबरनेर का जो ट्रेड है, ओके, डोबरनेर का जो ट्रेड है उसके अंदर कौन से अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है? तो इसका ऑप्शन है लिथियम, सोडियम एंड जो पोटेशियम है उसको उससे रिलेटेबल है अपना डोबरनेर का ट्रेड। ओके, सो नेक्स्ट चीज है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वॉज, तो जो न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? तो इसका आंसर अपना सी ऑप्शन, 56 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। ओके, नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अभी तक क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, आगे भी इजी ही आएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन से ट्रिकी। 21वां क्वेश्चन है, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेन गैस, वो सबको पता है CO2। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, इनमें से कौन से एक कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड चेन का, कौन सी एक एग्जैक्ट फूड चेन बना रही है? तो जो ग्रास है, ग्रास को गोट ईट कर रही है एंड गोट से ह्यूमन मिल्क भी ले सकता है, मीट भी ले सकता है, तो ये एक फूड चेन जो है उसका इंपॉर्टेंट मतलब एक एग्जाम्पल है, बाकी सब फूड चेन नहीं है। ओके, सो 22 का आंसर है बी। 23rd क्वेश्चन का आंसर है, रिप्रोडक्शन बाय लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो जब लीव से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किस चीज का एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है, लाइक ब्रायोफाइलम में जो होता है। ओके, किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पेयर का नहीं पूछा गया है, कितने प्रेजेंट होते हैं? इसका आंसर है टू। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द टू सेक्स क्रोमोसोम और वी कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हमारी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, विच क्रॉप हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यूट्री सीरियल। सो ओके, तो न्यूट्री सीरियल आर बेसिकली कौन सी पल्सेस होती हैं, कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो मिलेट्स है उसको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है एंड जो पर्ल मिलेट है वो इसका आंसर है न्यूट्री सीरियल के अंदर। ओके, पर्ल मिलेट पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है तो इस बार हम कह सकते हैं अच्छे क्वेश्चन आए पर्ल मिलेट की क्रॉप से। कन्वर्ट द 8 कनाल इनटू मरला। ओके, एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो 8 कनाल में कितने हो गए? एक कनाल में आपके 20 मरले हैं। ओके, तो 8 कनाल में कितने हो गए आपके? 160 मरले। ओके, तो इसका आंसर क्या है आपका? 160 मरला। सो नेक्स्ट अगेन लैंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया आपसे भी एक बीघा को कन्वर्ट कीजिए स्क्वायर मीटर के अंदर। तो एक बीघा के अंदर हरियाणा के अंदर जो 5 बीघा होते हैं उसके अंदर 1 एकड़ बनता है हरियाणा के अंदर, और 1 एकड़ में कितना होता है? 4000 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 एकड़ में है 4000 मीटर स्क्वायर एंड आपका जो 1 किला होता है उसके अंदर 5 बीघे होते हैं। ओके, तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो इसका जो पांचवा हिस्सा होता है 4000 का, दैट इज अराउंड 842। ठीक है, तो 842 मीटर स्क्वायर इसका अगेन आंसर है लैंड मेजरमेंट का दूसरा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम बात करें 28th क्वेश्चन की बात करें, हिंदी नेम ऑफ अरेबिक वर्ड, स्प्रिंग एक अरेबिक वर्ड है जो किस सीजन को डिनोट कर रहा है? जैद सीजन को, बट क्वेश्चन में पूछा है उसका हिंदी नेम, तो हिंदी नेम क्या है? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ग्रीष्म कालीन जो पीरियड होता है, ग्रीष्म ऋतु, वो इसका हिंदी नेम है। ओके, जैद नहीं है इसका आंसर। विच वन इज द रबी सीजन क्रॉप, तो इनमें से रबी सीजन की क्या है? पैडी नहीं है, सोयाबीन नहीं है, ग्राउंडनट है, बेसिकली ग्रो कर सकते हैं बट एग्जैक्टली अपनी जो ओट है वो क्या है? रबी सीजन की क्रॉप है अपने इसके अंदर। ओके, जैसे ओट, वीट, बार्ले अपनी रबी सीजन की क्रॉप्स है। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स द लेस वाटर, सो जो बाजरा है, बाजरा की फसल को लो मतलब हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी और इसको बहुत ज्यादा कम पानी चाहिए अपनी यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका अगेन आंसर है सी ऑप्शन, बाजरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज लॉन्गेस्ट क्रॉप ड्यूरेशन। जब हम क्रॉप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो अमंग द फॉलोइंग कॉटन जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ कॉलीफ्लावर ट्रांसप्लांटिंग। तो अभी क्वेश्चन में कॉलीफ्लावर की ट्रांसप्लांटिंग के लिए पूछा गया। ओके तो इसमें सोइंग का नहीं पूछा, इसमें ट्रांसप्लांटिंग का पूछा है। तो अगस्त से सितंबर जो है वो आपके ई मौसम के अकॉर्डिंग सोइंग ट्रांसप्लांटिंग टाइम है कॉलीफ्लावर का। ओके हाउ मच टाइम स्पाइनेज टेक्स इन फर्स्ट हार्वेस्ट आफ्टर सोइंग। तो स्पाइनेज को कितना टाइम लगता है पहली कटाई के अंदर, तो इसका आंसर आपका 30 days। ओके तो ई मौसम के ऊपर आपको दिया गया है 30 to 35 days, सो वी कैन टेक 30 एज अ आंसर ऑफ दिस। बिजाई के बाद में पालक को 30 दिन के बाद में हम पहली कटाई ले सकते हैं, यील्ड ले सकते हैं। ओके तो इसका आंसर क्या है 30 days। विच फ्रूट क्रॉप इज बेस्ट सुटेड टू द एरिड एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा। जब एरिड एनवायरमेंट की बात आ रही है तो अपने यहाँ पे जो बेर की क्रॉप है वो क्या है, एरिड एनवायरमेंट के अंदर होती है। ओके तो ये एरिड एनवायरमेंट के अंदर शूट करती है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ओके 35th क्वेश्चन पे पूछा गया है इनमें से कौन सा हरियाणा का जो पार्ट है जो सुटेबल है मैंगो कल्टीवेशन के लिए। मैंगो कल्टीवेशन के लिए अपना सबसे ज्यादा मैंगो होता है यमुनानगर। ओके यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा आम आपको करवाया गया। तो यमुनानगर किस पार्ट में हरियाणा के, वो है नॉर्थ के अंदर। ओके तो यमुनानगर क्या है, नॉर्थ के अंदर। SRI इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हमें देखते ही पता लग रहा है, जो राइस की क्रॉप है उसके साथ डील करता है। अब इनमें से 37th क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी फसल पल्स क्रॉप नहीं है। बेसिकली ये सारी लेग्यूमिनस है, बट क्या है, जो गुआर है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, वो एक पल्स एडिबल पल्स नहीं है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ टेम्परेट ओरिजिन। टेम्परेट ओरिजिन की जब हम बात कर रहे हैं तो वीट जो है उसको क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज की साइड ज्यादा होते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट की कौन सी क्रॉप है, अपनी वीट जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट की है। अब इनमें से रटूनिंग किस क्रॉप में हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 39th। सो रटूनिंग क्यों, हम एक बार काटने के बाद में जो फसल का दोबारा फुटाव होता है, रटूनिंग इज अ मेजर प्रैक्टिस इन शुगर केन। ओके शुगर केन के अंदर रटूनिंग मेजर है। 40th क्वेश्चन है 40वां, इनमें से कौन सी एक रूट क्रॉप नहीं है। तो रूट क्रॉप का तो हमने पहले दिन ही बता दिया था, ये क्वेश्चन हर साल आता ही है घुमा फिरा के। तो जो पोटैटो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, वो एक रूट क्रॉप नहीं है। ओके 40th के बाद में 41st क्वेश्चन की जब हम बात करें, हाउ मच नाइट्रोजन कंटेंट इज प्रेजेंट इन वर्मी कंपोस्ट। ओके तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर कितना नाइट्रोजन कंटेंट होता है, दैट इज 1.5% जो होता है वो अपने वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो केचुआ खाता है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा प्रेजेंट है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर सप्लाइज टू मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट। जो मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट है दैट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK। तो आपने SSP भी अच्छे खासे न्यूट्रिएंट देता है, कैल्शियम सल्फर और जो अपना वो फॉस्फोरस है। ओके बट जो डायमोनियम फॉस्फेट है वो एक दो मेजर न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, एक तो अपना फॉस्फोरस एंड दूसरा नाइट्रोजन। ओके ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड है जो अपना वाइल्ड रिवॉल्यूशन के साथ डील कर रहा है, तो वो कब आया था, 1970 के अंदर, वर्गीस कुरियन इसके फादर थे। ओके सो एक क्वेश्चन आपका रिवॉल्यूशन से हो गया। नेम द टूल यूज्ड फॉर प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग द फ्रूट क्रॉप। तो प्रूनिंग का हम करवा चुके हैं, जो स्कैटियर नाम का एक टूल होता है वो प्रूनिंग एंड जो अपनी कटिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए यूज होता है फ्रूट क्रॉप्स के अंदर। विच वन ऑफ द 45th क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर टूल मल्टीपर्पज यूजेस है, काफी ज्यादा उसके हम यूज कर सकते हैं, वो है स्पेड। जो कसी है उसको एक फार्मर हरियाणा के अंदर मल्टी यूजेस के लिए करता है, मतलब जिस किसान के पास कसी नहीं है तो वो मतलब एक कंप्लीट किसान नहीं होता, बाकी सब चीजें ना भी वो तो काम चल सकता है, इसका स्पेड का काफी ज्यादा कंपेरेटिवली मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं कसी के। ओके 45th के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 46th क्वेश्चन ऑफ बी सेक्शन। जो बी कोड आया था आपका उसका 46वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है
इन विच टिलेज ऑपरेशन केज व्हील्स आर अटैच्ड विद द ट्रैक्टर, ताकि ट्रैक्टर पानी में धस ना जाए उसके पहियों के ऊपर केज व्हील चढ़ाए जाते हैं, वो क्या होता है पडलिंग का। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको वेट पडलिंग दे रखा है, बट इसका आंसर भी पडलिंग ही है। ओके, वेट पडलिंग के अंदर हम केज व्हील चढ़ाते हैं ट्रैक्टर के पहियों के ऊपर। अगेन 47th नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेम द टिलेज इंप्लीमेंट विच कट्स पल्वराइज एंड मिक्सेस द क्रॉप रेजिड्यू। तो लास्ट में आपको हिंट दिया गया इन अ सिंगल पास। तो सिंगल पास के अंदर जो रोटावेटर है वो ये सब एक्टिविटीज कर रहा है, क्रॉप रेजिड्यूज को एक ही बार के अंदर मिक्स कर रहा है। अदरवाइज आप हैरो कल्टीवेटर दो तीन लगाने पड़ सकते हैं, तब जाके आप क्रॉप का रेजिड्यू मैनेज होगा। तो इसका आंसर है रोटावेटर। 48 क्वेश्चन है, विच आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक वीड। सो एक्वेटिक वीड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? मेनेंस फॉर फिशरीज तो है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाएगी, लाइट रेज नीचे नहीं जा पाती। कंपीट फॉर वाटर भी है, भी पानी के अंदर प्लांट है तो कंपीट करेगा। इम्पीड वाटर फ्लो, पानी के बहाव को थोड़ा सा रोकेगा। बट जो ऑप्शन है इम्पीड ड्रेनेज, ड्रेनेज पे इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जो अपने एक्वेटिक वीड्स है। ओके, नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पैरासाइट वीड एसोसिएटेड विद मस्टर्ड। सो ये क्वेश्चन भी पिछले 5-6 पेपर्स के अंदर 2-3 बार रिपीट हो चुका है। भी जो ब्रूम रेप है, ओरोबेंकी है, ठीक है, मरगोजा जिसको हम कह सकते हैं, ये क्या है अपना मस्टर्ड का एसोसिएशन के साथ, मतलब पैरासिटिक वीड है, टोटल रूट पैरासाइट है। 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेम द मोस्ट कॉम्पिटिटिव वीड ऑफ वीट इन हरियाणा। ओके, तो इसका गेहूं का मामा, गुली डंडा, मंडूसी, ओके, फ्लैरिस माइनर, ये अच्छे से करवाया हुआ है। तो जो मंडूसी है वो गेहूं का एक वीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हरियाणा स्टेट के अंदर। सिल्क प्रोडक्शन को इजीली हम सेरिकल्चर कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट एफिशियंट। तो इसका मोस्ट एफिशियंट पता है, अभी एफिशियंसी ड्रिप की काफी अच्छी होती है, 90% के आसपास, तो एफिशियंसी ड्रिप इरिगेशन एफिशियंट है। विच टाइप ऑफ सोयल हैज मैक्सिमम अवेलेबल वाटर। जो क्लेई सोयल होती है वो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो इसके अंदर क्ले से रिलेटेड हमें चिकनी मिट्टी जो है, क्ले लोम जो सोयल है, चिकनी दोमट मिट्टी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है, अवेलेबल वाटर मैक्सिमम है। 54th क्वेश्चन ऑफ बी सेक्शन इज सेइंग दैट विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट। तो हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर एक पेरिनियल क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, वो है शुगर केन, जो गन्ने की क्रॉप है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रॉप का सीड रेट मल्टीप्लीकेशन रेशियो सबसे ज्यादा है। मतलब आपने एक बीज लगाया तो बदले में आपको कितने बीज मिल रहे हैं, वो होता है सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो। सो वो है अपना पैडी का। तो पैडी का जो सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो है वो सबसे ज्यादा है अमंग द फॉलोइंग मेंशनड एग्जांपल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं 56th क्वेश्चन की। ये सीड क्लासेस से क्वेश्चन आया है 56th में, बी सेक्शन में। बी कलर क्या होता है सर्टिफाइड सीड का, ठीक है, सर्टिफाइड सीड का कलर हमें पता है अजूरे ब्लू, ठीक है, जो अजूरे ब्लू एग्जैक्टली जो है वो अपना सर्टिफाइड सीड का कलर होता है टैग का। ओके, नेक्स्ट है बीटी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो बैसिलियस थोरनजिनेसिस एक जो सोयल बैक्टीरिया है वो कॉटन की क्रॉप से रिलेटेड है, बीटी कॉटन नाम भी सुना होगा। अगेन काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ मच इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ, ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड जो काउ का होता है वो कितना है आपका, 9 months 9 days। बताया है बफेलो का 10 months 10 days होता है, बट जो काउ का होता है वो 9 महीने 9 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 59th क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गिर एक पॉपुलर ब्रीड है किसकी। गिर एक पॉपुलर ब्रीड है काउ की। ओके, अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी आए सभी के सभी आपको अच्छे से स्टार्टिंग में भी करवा दिए गए थे, तो बेसिक क्वेश्चन आए हैं ज्यादा। ओके, जो हर बार बेसिक सी आते हैं। ओके, द मिल्क ऑफ विच एनिमल हैज मैक्सिमम फैट। तो शीप, शीप का जो दूध है उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है। ओके, 60th क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक रानीखेत नाम की डिजीज है जो कौन सी किन के अंदर होती है। तो जो पोल्ट्री है उसके अंदर रानीखेत की डिजीज होती है। बताया है आपको आईवीआरआई जो है
उसने एक लेसोटो नाम की वैक्सीन भी इसके लिए निकाल रखी है। ओके नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच कमोडिटी। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, मिल्क के साथ, दुग्ध उत्पादन के साथ सफेद क्रांति आई थी 1970s के आसपास। ओके 63rd क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज अ रिवर। तो रिवर एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक होती है कैनाल, रिवर मतलब नहर जो है, और कैनाल क्या है जो हम नदी बनाते हैं। तो नदी एक आर्टिफिशियल है, बट रिवर क्या है, रिवर एक नेचुरल इकोसिस्टम। 64th क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज होती है पर्ल मिलेट की, वो आयरन के अंदर तो रिच होती है बट जिंक के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका हम बोथ जिंक एंड आयरन कर सकते हैं। ओके बोथ जिंक एंड आयरन, बायो फोर्टिफाइड मतलब जो अपने बाजरा की एनरिच्ड वेराइटी है बायोलॉजिकल मेथड से, वो जिंक और आयरन की मात्रा में ज्यादा होती है उसके अंदर, बायो फोर्टिफाइड के अंदर। एफिड इज अ सीरियस पेस्ट। जो एफिड होता है, जो जिसको हम चेपा कहते हैं, तेला चेपा सुना होगा आपने, जो चेपा है वो किसका एक सीरियस पेस्ट है अमंग द फॉलोइंग क्रॉप, इट इज कॉटन। तो कॉटन का बहुत ही सीरियस पेस्ट है जो अपना चेपा या एफिड जिसको हमने कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 66वां क्वेश्चन, बहुत इजी अगेन। हरा मधु किसकी वेराइटी है? हरा मधु हम बात कर चुके, मस्क मेलन की वेराइटी है, बता रखा है इसकी हार्वेस्टिंग नेटिंग स्टेज पे करते थे। ओके तो मस्क मेलन की हरा मधु वेराइटी है इंपॉर्टेंट। 67th क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन शिमला, और एग्जैक्टली कहां पर है, कुफरी के अंदर, शिमला के अंदर अपना CPRT जो इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है। ओके साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन कॉटन, जो साइंटिफिक नेम है इंडियन कॉटन का वो है गोसिपियम आर्बोरियम। ओके गोसिपियम आर्बोरियम और हिर्सुटम, जो इसका आंसर क्या है, गोसिपियम आर्बोरियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन कॉटन जो है। ठीक है पैरावेल्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो कॉटन है ठीक है, कॉटन के अंदर पैरावेल्ट आता है, जैसे कि अभी चल रहा है काफी ज्यादा एक्सेस में रेनफॉल होने के बाद में एकदम जो धूप निकलती है तो उस चीज से हमें पैरावेल्ट देखने को मिलता है। ठीक है न्यूट्रिएंट की लीचिंग का प्रोसेस होता है इसके अंदर ज्यादा, तो जो पैरावेल्ट है वो एक कॉटन की बहुत मतलब सीरियस डिसऑर्डर है। ओके एकदम ज्यादा बारिश होने के बाद में धूप निकल जाए तो। ओके तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसके लिए करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको बता रखा है। व्हाट इज द फ्री टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर? तो 1800-180-1551, तो इसका आंसर क्या है, 1551 टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर का। इन जनरल व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन? तो जनरली जो क्रॉप वीड का कंपटीशन पीरियड होता है, आप 35 डेज लेके चलोगे, जो 100 दिन के कोई पेरिनियल मतलब 100 डेज की कोई क्रॉप है तो उसके अंदर 35 दिन का क्रॉप वीड कंपटीशन होगा। अब हम 72nd क्वेश्चन पे आ चुके हैं, द फुल फॉर्म ऑफ FAO। ओके FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके नाम भी सुना होगा इसका 10th में, और इसके अंदर काफी बार आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है नेम 73rd क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ। तो ये आपका हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी, बट इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीनोमीटर प्लांट ग्रोथ के लिए यूज होता है। जिप्सम इज अ सोइल अमेंडमेंट यूज टू रिक्लेम द एल्कली सोइल्स। सेलाइन सोइल्स के अंदर हम जिप्सम यूज नहीं करेंगे, एल्कली सोइल्स के अंदर हम जिप्सम का यूज करते हैं। 75th क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो 22nd मार्च है हर साल, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके सो अब हम बात कर रहे हैं 76th क्वेश्चन की। 76th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप, इनमें से कौन सी एक पल्स क्रॉप है, इनमें से जो चिकपी है वो आपकी पल्स क्रॉप है। ओके चिकपी एक पल्स क्रॉप है। अब 77th क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा रिलायबल पैरामीटर है जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर रहा है? तो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए लीफ एरिया इंडेक्स है। सो इसका आंसर क्या है, लीफ एरिया जो है वो इसका प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज द लिंट परसेंटेज? 78th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया भी लिंट जो है रुई की परसेंटेज कितनी है कॉटन के अंदर, 33% लिंट की परसेंटेज है। अगेन इजी क्वेश्चन है। 79th है, येलो कलर्ड फ्रूट आर रिच इन विटामिन ए। ओके
वट इज द मल्टीपल फैक्टर? सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगा हो, 18th क्वेश्चन, द मल्टीपल फैक्टर भी आप फॉस्फोरस को P2O5 के अंदर कन्वर्ट करो तो उसका आंसर है 2.29 से इंटू करना आपको, फॉस्फोरस कितना है तो आपको पता लग जाएगा उसको 2.29 से इंटू करोगे तो। ये क्वेश्चन फर्टिलाइजर के स्लाइड्स में अच्छे से करवाया गया है। ओके, जिस क्वेश्चन को आप सबसे ज्यादा हार्ड कह सकते हो, वन ऑफ द हार्ड, ये 18th क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन बी पार्ट का, ये भी अच्छे से हमने करवा रखा है 2.29। अब 81 है, विच वन इज एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप? इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप में ओकरा एक इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप है। ओके, इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप एक भिंडी जो है वो कॉटन के अंदर ट्रैप क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूजफुल फॉर क्यूरिंग डायबिटीज? जामुन डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है। एमएसपी रेफर्स टू मिनिमम, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एमएसपी के लिए रेफर करती है, मिनिमम स्पॉट प्राइस। ठीक है, सो ये कौन लॉन्च करता है? सीएसीपी जो कमीशन है वो लॉन्च करता है एमएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप रजिस्टर द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो वीट एंड राइस के अंदर, तो वीट का ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85th क्वेश्चन की जब बात करें, इन इंडिया व्हेन वाज द राइट टू फूड वाज अडॉप्टेड? तो राइट टू फूड जो है वो कब आया था? ग्रीन रिवोल्यूशन के पैरेलल में आया था, 1968 हम कह सकते हैं। अगेन ये भी आप कह सकते हो एक हार्ड क्वेश्चन था आपके लिए, सो इसका आंसर 1968 है। नेक्स्ट है 86th क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज? ओके, तो एग्जाम्पल इसमें जो कोरोजन जो है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से है तो बता रखे हैं आपको, जहां पे भी ऑल ऑफ दीज दिखता है मोस्टली तो उसके अंदर वैसे भी ऑल ऑफ दीज होगा, बट डार्कनिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ आयरन और जो कॉपर कलर कलर में चेंज होना, तांबे के कलर में चेंज होना, ये सभी रस्टिंग के या कोरोजन के एग्जाम्पल्स है, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। अब नेक्स्ट है 87th जो आपका क्वेश्चन है, नेचुरल गैस कंबशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ? ओके, जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका जो नेचुरल गैस कंबक्शन है, तो क्या होगा, हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच वन ऑफ दीज इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वी कैन से इनमें से कौन सी एक स्केलेटल इक्वेशन है? तो स्केलेटल इक्वेशन का है ZnH2SO4 वाली एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसके अंदर आएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 88 के अंदर है आपका बी ऑप्शन। एंड 89th, सोर मिल्क ऑफ अ कर्ड हैज विच एसिड? जो सोर मिल्क या फिर जो अपना दही है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर बच्चों होता है लैक्टिक एसिड। अगेन इजी क्वेश्चन, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जब शॉर्ट सर्किट होता है तब वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, तभी शॉर्ट सर्किट होगा जब वैल्यू करंट की बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके, और अपने फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 91st क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इन? जो अपना फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर अपना डाइजेशन अकर होता है अमीबा का। ओके, अमीबा का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट? तो अगेन इसके अंदर भी 92nd के अंदर ऑल ऑफ दीज आएगा, एयर वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे ही क्रॉस पोलिनेशन में सहायक है। 93 है, हाउ मेनी कोवेलेंट बोन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला C2H5Br? ओके, तो इसके अंदर है आपका 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने होंगे इसके अंदर? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, 94th है, इन डैश रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन? जो अपना राइजोपस है या फिर कोई भी फंगस होती है उसके अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। सो राइजोपस और फंगस वी कैन से स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है बायो। 95th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम टिश्यू? तो जो वॉटर है वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जो फूड पार्ट फूड मैटर है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है? जाइलम के साथ वॉटर। 96th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? ओके, तो जो मस्टर्ड है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं मस्टर्ड के प्लांट के अंदर। वी आर वेरी क्लोज
97th क्वेश्चन है, जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो जर्मेनियम है वो क्या है, एक मेटालोइड है. ओके, जर्मेनियम एक मेटालोइड है. नेक्स्ट है 98th क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पुटिंग होम अप्लायंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कुछ भी डाल रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, वी कैन यूज द होम अप्लायंस फ्रीली एंड इफ वन एप्लीकेबल में कोई दिक्कत आती है तो बाकी है वो अनएफेक्टेड रहेंगे. तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी इज द आंसर ऑफ 98th क्वेश्चन. 99th क्वेश्चन है बच्चों, इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी. अगेन ऑल ऑफ दीज आ गए इसके अंदर, तो सोलर कुकर, सोलर वाटर और लालटेन तीनों ही इसके एग्जाम्पल है. अब लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से, लास्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर ऑफ अ कार इज ऑलवेज डैश एंड हेडलाइट ऑफ कार इज डैश मिरर. तो इसका आपका एग्जाम्पल है भी जो साइड मिरर होता है कार के अंदर वो है कन्वेक्स, एंड जो आपका हेडलाइट के अंदर मिरर है कार के अंदर उसके उसका आंसर है कंकेव. सो दीज वर बेसिकली 100 क्वेश्चन जो आए थे अब की बार. बच्चों की फीडबैक है इजी टू मॉडरेट लेवल. ओके, थैंक यू.